विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान का कहना है कि मेवात क्षेत्र में बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र को क्राइम को लेकर बदनाम भी किया जा रहा है, जबकि मेवात क्षेत्र में हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे बड़े क्राइम नहीं होते। मेवात क्षेत्र, हमने शिक्षा और रोजगार को वहां पर बढ़ावा देने का प्रयास किया। RSLDC के माध्यम से स्किल से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जुबैर खान ने कहा कि मेवात क्षेत्र खासकर गौ तस्करी के लिए बदनाम है। इस कलंक को मिटाने के लिए हम मेवात क्षेत्र में जल्द ही दो बड़ी गौशालाएं खोलने जा रहे हैं। जुबैर खान ने ओवैसी के दौरे को लेकर कहा कि वो भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। समरता दिनेश तिवाड़ी ने मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान से की खास बातचीत। आज हमारे साथ मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान है। हम बात करते हैं कि मेवात विकास को लेकर क्या, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ इनकी प्लानिंग है। देखिए, मेवात विकास, मेवा, इसमें कोई शक नहीं, मेवात शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तभी 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब वहाँ पधारे थे, सोम का गांव है कामा विधानसभा में, तो उन्होंने ये बात कही थी, अखबारों में मुख्य पृष्ठों पर छपी थी कि मैं इत हजारों मील दूर गरीबी और पिछड़ापन देखने जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि 50 मील की दूरी पर इतना पिछड़ापन दिल्ली के, देश की कैपिटल दिल्ली के पास है। तभी उन्होंने 1987 में मेवात विकास डेवलपमेंट का गठन कराया। शिवचरण माथुर जी उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे कि इस एरिया में विशेषकर शिक्षणा, सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जाए। आज मुझे सौभाग्य मिला है उस मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने का मौका आदरणीय अशोक गहलोत जी ने दिया है। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि बोर्ड के माध्यम से अब तक ये MLA लेड कर दिया गया था कि जितना पैसे मिलता था MLA अपने हिसाब से सीमेंट सड़क, चार दीवारी और इंटरलॉकिंग और इस पे खर्च करते थे। लेकिन हमारा ने एक शुरुआत की है कि यहाँ सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा में भी विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा हमारे प्रायोरिटी है कि बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाई जाए, कि बच्ची एक पढ़ती है तो दो घरों को पढ़ाती है। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि वहाँ, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जयपुर के आसपास से दौसा से गाय माताओं को ले जाया जाता है और वहाँ जाके बॉर्डर पे वहाँ वो पकड़ी जाती हैं, तो उसको बदनाम मेवात होती है, जबकि मेवात में अपने SH मेवात के एरिया में गाय कोई नहीं बेचता। जितने गायें मेवात के, मेरे परिवार में 101 गायें हैं जो दूध की, आज से नहीं, हम जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं, ये यहाँ वहाँ से जो हरियाणा है और दूसरी तरफ के UP से सटते हुए मेवात के गाँव हैं, ये तस्करी करते हैं, पकड़े जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि गौशालाओं का वहाँ निर्माण कराया जाए, क्योंकि लोग जब दूध देना छोड़ देते, गायों को छोड़ देती हैं, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है। दूसरे नंबर पर अलवर में 50 बीघा ज़मीन का आवंटन हो चुका है और हम शीघ्र ही उसका गौशाला का निर्माण करेंगे और वो मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं का संचालन होगा। ये है मेवात बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान। इनका कहना है कि मेवात क्षेत्र की जो बदनामी है वो सिर्फ दो वजह से है, साइबर क्राइम और गौ तस्करी, और दोनों को मिटाने के लिए या मेवात क्षेत्र का जो धब्बा है उसको मिटाने के लिए गौशाला खोलनी पड़ेगी और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके लिए ये पूरी तरह तत्पर है और पूरी तरह सरकार के साथ मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश जायसवाल के साथ दिनेश तिवाड़ी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस बुलेटिन में